हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है वो महाराष्ट्र सीईटी के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर है। महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं, यानी यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स या हायर लेवल पीएचडी एमबीबीएस, यानी हर तरह के कोर्सेज महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के थ्रू कर सकते हैं, जिसके लिए एक एग्जाम होता है महाराष्ट्र सीईटी। अभी मैं बात करूंगा महाराष्ट्र सीईटी एमसीए एंट्रेंस को लेकर, जिसके लिए आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जो जो आपके डाउट है उन सब बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। बीएचयू एमसीए का ऑलरेडी नोटिफिकेशन भी निकल चुका और मैंने उसका सेशन लिया था, वो आपने देखा, और उसी के बाद जब आपने पूछा तो मैंने सोचा ये भी एक सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। नंबर वन, कि इसका फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और किस तरह से स्टडी करना चाहिए, और अगेन जो बात आपने बीएचयू के समय पूछी थी वही बात अभी फिर, कि अगर हम इसका निम सेट से कंपेयर करें तो कैसा कंपेयर किया जा सकता है, यानी महाराष्ट्र सीईटी एमसीए को लेके जो जो आपने क्वेश्चन पूछे थे, जो जो आपके डाउट है वो सारे डाउट डिस्कस करता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको डे वन से बोला है, जो लोग लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे या उसके पहले भी, कि अगर आप निम सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप हर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आप अगर निम सेट के लिए एलिजिबल नहीं भी हैं, मैंने कई कैंडिडेट को बोला जो निम सेट के लिए एलिजिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के ग्रेजुएशन में 60% नहीं है, तो ऐसे में उनके पास जैसे जेएनयू ऑप्शन होता है, बीएचयू होता है, सीईटी महाराष्ट्र होता है और भी स्टेट के एग्जाम होते हैं, तो भी मैंने एक ही बात बोली कि आपकी प्रिपरेशन निम सेट की ही होना चाहिए, क्योंकि जो निम सेट का सिलेबस है, जो निम सेट का पैटर्न है, उसी पैटर्न पे बाकी एग्जाम होते हैं। तो जब हम बात करते थे बीएचयू की, तो बीएचयू में मैंने आपको बताया था जैसे निम सेट में चार सेक्शन होते हैं, एक होता है मैथ्स जो 10+2 लेवल यानी 12th लेवल का होता है, एक एलआर, एक कंप्यूटर फंडामेंटल और एक इंग्लिश। पर जब हम बीएचयू की बात करते हैं तो बीएचयू में केवल मैथ्स और एलआर होता है। जब हम महाराष्ट्र सीईटी की बात करते हैं तो ये 4 सेक्शन ही महाराष्ट्र सीईटी के हैं। ये खास बात है, देखिए महाराष्ट्र सीईटी की बात करें तो मैं आपको यहां पर बहुत डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, फिर भी हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हो ना बता पाया हूं, तो मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा कि आप महाराष्ट्र सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और वहां से आपको हर चीज, जैसे ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन मैंने महाराष्ट्र सीईटी की वेबसाइट से ऑफिशियल जाके निकाला है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाइएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट के मैं आपको प्रॉपर लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू ही पुणे यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा, इसके पहले ऐसा नहीं था, लास्ट ईयर से ऐसा हुआ, इसके पहले पुणे यूनिवर्सिटी अपना अलग एमसीए कंडक्ट करती थी एग्जाम, और पुणे यूनिवर्सिटी एनआईटी लेवल के कॉलेज है, इसका मतलब यह हुआ कि ये एक अच्छा रिपोर्टेड एग्जाम है। उसके लिए भी आपको पुणे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तब मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कशन करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे पाऊं। फिर भी मैं बोलूंगा, सारी इंफॉर्मेशन के बाद भी मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको जितनी बेस्ट पॉसिबल राइट इंफॉर्मेशन दे सकूं दूं, फिर भी कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग हो जाए या कुछ है तो आप एक बार इंफॉर्मेशन जरूर रीड करिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं महाराष्ट्र सीईटी 2020 की, तो महाराष्ट्र सीईटी एमसीए 2020 की एग्जाम फॉर्म की फिलिंग डेट है 15 जनवरी से 22 फरवरी, यानी अभी आपके पास काफी टाइम है, आप फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। नंबर वन थिंग, फॉर्म ऑनलाइन ही फिल होगा, अगेन 22 फरवरी लास्ट डेट है। फिर उसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर मींस हॉल टिकट के लिए 8 मार्च ऑनवर्ड से आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी 8 मार्च के बाद आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर का प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। फिर बात आती है एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट एमसीए के लिए बता रहा हूं, 28 मार्च को आपका एग्जाम होगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा, इसीलिए मैंने आप लोग जो जुड़े हुए हैं बच्चे उन सभी के साथ, इसलिए निमसेट का पेपर भी मैं आपके साथ ऑनलाइन लेने लगा हूं, क्योंकि अभी ऑफलाइन में एक निमसेट का ही पेपर होता है, बाकी सभी पेपर ऑनलाइन होते हैं, इसीलिए आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस चालू कर दी। आप सभी जो लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान रखिए, इम्पिटस गुरुकुल ऑनलाइन का आप ऐप से जाके ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको इनके प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर दे सकते हैं और आप असेसमेंट कर सकते हैं। यस, तो हॉल टिकट आपको मिलेगा 8 मार्च को, देन एग्जाम डेट है 28 मार्च, और इसका रिजल्ट भी आएगा 15 अप्रैल को, यानी ऑलमोस्ट निम सेट के पहले। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो 50%
ग्रेजुएशन लेवल पे आपके होना चाहिए। इसीलिए अगर किसी बच्चे के इनकेस लेस देन 60% है, इसका मतलब हुआ कि अगर आपके 60% से कम है तो आपके लिए ये एग्जाम या BHU एग्जाम या JNU एग्जाम एक बहुत अच्छे एग्जाम में होगा, क्योंकि यहां से MCA करने पर कम परसेंट के बाद भी प्लेसमेंट के चांस ज्यादा हैं। जबकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं और आपका 60% से कम है तो ऐसे में आपके पास थोड़ा स्कोप कम हो जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा अगर 60% से कम है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, पर 60% से ऊपर भी है, क्योंकि मुझे दो तीन बच्चों ने यह भी पूछा अलग से कि सर हम पूरी तरह से NIMCET की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, तो एग्जाम देना चाहिए कि नहीं। तो मैं बोलूंगा हर एक बच्चे को एग्जाम देना चाहिए, उससे आपका कहीं ना कहीं एक असेसमेंट होता है। जाना या ना जाना ये सेकंड स्टेप होती है। जब भी हम कॉम्पिटेटिव लेवल पे तैयारी करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको अपने आप को हर लेवल पे तैयार करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा ये एग्जाम देना चाहिए। तो इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी 50%, रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%। अब बात करें कि और क्या मांगते हैं एलिजिबिलिटी में, तो आपका 10+2 लेवल पे, यानी या तो 12th में मैथ्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और इनकेस 12th में नहीं है तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास एक सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए। बिल्कुल क्लियरली लिखा है मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल और एट ग्रेजुएशन लेवल ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, यानी आप ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के थ्रू भी जा सकते हैं। दूसरी बात, कुछ यूनिवर्सिटी फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन, ध्यान से सुनिएगा, फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन द कैंडिडेट शुड हैव पास बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और साइंस, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। यदि आपने IT या कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो लेटरल एंट्री यानी सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है, बट ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है ये आपको चेक करना होगा, राइट? ये इंफॉर्मेशन में दिया है। नंबर नेक्स्ट थिंग बात करूं कि इसमें क्या क्या एफिलेटेड है, तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने अब क्या करा है, CET के थ्रू जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि MCA प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो MCA प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो MCA प्रोग्राम ऑफर करते हैं, उन सब के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया महाराष्ट्र MCA CET। इसलिए आपको ये एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आपको लाइक पुणे यूनिवर्सिटी हुआ, VJTI हुआ, या सपोज KJ सुमाय हुआ, यानी कई अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पर बहुत अच्छे प्लेसमेंट है। इवन अगर मैं पुणे यूनिवर्सिटी की बात करूं तो पुणे यूनिवर्सिटी से MCA करना मतलब कि एक तरह से आप NIT लेवल के कॉलेज से MCA कर रहे हैं, इसलिए इस एग्जाम को जरूर दीजिए। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 90 मिनट का पेपर होता है और नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन आते हैं 100, राइट? जबकि अगर हम बात करें, ये 90 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें हम तो मैथ्स प्लस स्टेटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 30 क्वेश्चन का, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, तो 60 मार्क्स हुए मैथ्स के। LR में 30 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स, यानी फिर 60। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है 40 मार्क्स, सबका वेटेज इक्वल है। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, इसके भी 2 मार्क्स। इस तरह से टोटल पेपर जो है वो 200 मार्क्स का है, और नंबर से राइट के 2 नंबर है, रॉन्ग के 1/2, यानी 0.5, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है बेसिकली। अब इस पेपर के साथ, अब आप देखिए तो इस पेपर का पूरा एग्जाम पैटर्न वही है जो NIMCET का, BHU का भी वैसे ही होता है लगभग। आप देखें तो आप BIT देंगे, आप जो भी एग्जाम देंगे, आप देखेंगे NIMCET के सिलेबस को ऑलमोस्ट या NIMCET के पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, इनफैक्ट कम ज्यादा हो सकता है। अब आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए। अच्छा, इसके एग्जाम सेंटर की बात करूं तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि महाराष्ट्र के अलावा अदर स्टेट में भी होंगे, बट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अपेयरिंग कैंडिडेट। जैसे कि आप मान लीजिए दिल्ली में हैं, मान लीजिए आप लखनऊ में हैं, मान लीजिए इलाहाबाद में है, हो सकता है भोपाल में, ये भी सेंटर होंगे, बट अगर कैंडिडेट कम हुए तो सेंटर चेंज भी हो सकता है, पर चांसेस है कि आपको मिल जाए, इसलिए आप जब हॉल टिकट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे पुणे यूनिवर्सिटी का आपको एडमिशन इसी एग्जाम के थ्रू मिलेगा, बट उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो मैं पुणे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन वाली साइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो आप इस पूरे इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से रीड करिए। बात करूं पेपर पैटर्न की, पेपर टफ नहीं आता है, आप ऑलरेडी बहुत पेपर दे रहे हैं,
अगर आप जो सारे पेपर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अगर आप वो दे रहे हैं और आप तो ऑनलाइन भी दे रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 50-60% भी अगर आप पेपर में एक्यूरेसी मेंटेन कर लेंगे तो आप एक टॉप रैंक की तरफ जा सकते हैं। बाकी कितना परसेंट जाएगा, कम जाएगा, ज्यादा जाएगा, ये डिपेंड करता पेपर और पेपर के टफनेस लेवल पे। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, आप अपना 100% इनपुट दीजिए। एलआर काफी सिंपल आता है और मैथ्स के भी क्वेश्चन एनआईटी के लेवल में देखें तो काफी इजी आते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, करीब करीब 5 to 6 even 8 क्वेश्चन तक केवल कन्वर्जन के हो सकते हैं, बाइनरी, ऑक्टल वगैरह इन सब के। इसीलिए हमने कंप्यूटर की क्लास भी स्टार्ट कर दी कि हर एग्जाम के पहले, क्योंकि इस एग्जाम में भी आएगा तो आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन भी अच्छे से कवर हो जाए। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, इस एग्जाम का फॉर्म भरिए, कोई भी अगर डाउट रहे तो पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज आपको दी हुई है, क्या क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ फिल करने के बाद इवन फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए। तो ये 11 पेज का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको डाउनलोड करिए। सिलेबस देखिए क्लियरली दिया हुआ है। सिलेबस की बात करें तो एलजेब्रा में फंडामेंटल ऑपरेशन इन एलजेब्रा, एक्सपांशन, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंडाइसेस, लॉगरिथमिक, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट। कोऑर्डिनेट पे आए, अब जैसे इसमें मैट्रिसेस डिटरमिनेंट नहीं दिया है, नहीं एनआईटी से कम ही है, निम सेट से कम ही है सिलेबस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, इक्वेशन ऑफ लाइन, मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सेट्रा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, डिस्टेंस फॉर्मूला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, राइट। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोफिशिएंट, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स का थोड़ा सा पार्ट है जो कि इससे थोड़ा सा, जैसे स्क्यूनेस और मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोर्टोसिस, ये थोड़ा सा पोर्शन है 5-10% जो एक्स्ट्रा है। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मतलब प्रॉब्लम ऑन टाइम, वर्क, डिस्टेंस, ये सब पोर्शन आपका कवर हो जाएगा टाइमली। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बल्कि एक पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करें। और एक बार पूरी इंफॉर्मेशन फिर से मैं आपके साथ शेयर करूं कि एग्जाम नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, ऑनलाइन फॉर्म फिल होने लगे हैं, आप 22 फेब तक फिल कर सकते हैं। हॉल टिकट 8 मार्च को मिलेगा, के बाद कभी भी निकाल सकते हैं। एग्जाम डेट 28 मार्च को है, रिजल्ट 15 अप्रैल को है। एलिजिबिलिटी के लिए अच्छी बात है कि ग्रेजुएशन लेवल पे 50% चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के तो 45%, ट्वेल्थ में अगर मैथ्स है तो, या ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपकी मैथ्स है तो आप एलिजिबल हैं। और सेकेंड ईयर में भी डायरेक्ट एंट्री होती है, लेटर एंट्री, बट वो आप आईटी या कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया हो तो। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 90 मिनट का टेस्ट है ऑनलाइन, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 30 मैथ्स, 30 एलआर, 20 इंग्लिश एंड 20 कंप्यूटर अवेयरनेस के या कंप्यूटर के क्वेश्चंस। पुणे यूनिवर्सिटी, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुणे यूनिवर्सिटी के थ्रू कैसे एडमिशन मिलेगा, तो पुणे यूनिवर्सिटी का एडमिशन भी महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू मिलेगा, बट उसके लिए आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आप इस फॉर्म को इमीडिएटली फिल करें और अपनी प्रिपरेशन जो निमसेट की जिस लेवल पे कर रहे हैं उसी लेवल पे करते रहिए, इसके लिए अलग से कुछ भी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीएचयू का फॉर्म आपको ऑलरेडी फिल कर दिया होगा, या नहीं किया तो कर दीजिए। और भी जो जो एग्जाम्स आते जाएंगे मैं आपके साथ वो एग्जाम की इंफॉर्मेशन टाइमली शेयर करता चलूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।